हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों दोस्तों आप लोगों को पता है कि जितेंद्र शाही जी भूख हड़ताल कर रहे हैं दोस्तों तो उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जितेंद्र शाही के धरने से पहले दिन क्या हल निकला आई है आप लोगों को बताते हैं दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले दोस्तों आइए देख लेते हैं जितेंद्र जी के जो भूख हड़ताल चल रही है और, और के के उम्मीद है सांसद कौशल किशोर के आवास पर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा मित्रों का मुद्दा सदन में उठाने का मिला आश्वासन जी हाँ दोस्तों सांसद कौशल जो किशोर हैं उनके आवास पर जो शिक्षा मित्र भूख हड़ताल पर बैठे उनको सदन में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठेगा ये बड़ी बातें आई है सामने लखनऊ में सांसद कौशल किशोर जी के आवास पर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा मित्रों के साथ माननीय कौशल किशोर जी की पत्नी व भाजपा विधायक श्रीमती जया देवी कौशल जी भी भूख हड़ताल में शामिल हुई और शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ाया देख सकते हैं आप लोग अब भाजपा के विधायक जो हैं किशोर जी की, की पत्नी जो भाजपा की विधायक है वो भी शिक्षा मित्रों, मित्रों, तो मित्रों, मित्रों के साथ विधायक भी शिक्षा मित्रों के साथ हैं और आगे देखते हैं दोस्तों माननीय विधायक श्रीमती जया देवी कौशल जी ने शिक्षा मित्रों का मांग पत्र लिया तथा भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि हम सदन में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया जाएगा कल ही सदन में मुद्दा उठाया जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए जितना भी संभव हो सकेगा उतना प्रयास किया जाएगा दोस्तों आज शिक्षा मित्रों का मुद्दा सदन में गूंजेगा ये जया देवी जी की तरफ से बातें कही गई हैं और हम न्याय दिला के रहेंगे और जितना भी संभव हो सकेगा उतना प्रयास किया जाएगा ये विधायक जी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं दोस्तों और मांग पत्र भी ले लिया गया है आज सदन में मुद्दा ये गूंजेगा शिक्षा मित्रों का दोस्तों माननीय विधायक महोदय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित सुरक्षित अवश्य करेगी और इसके लिए हमारा पूरा परिवार शिक्षा मित्रों के साथ है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहले ही दिन ये विधायक जी ने समर्थन दिया और मांग पत्र भी ले लिया है शिक्षा मित्रों को और कहा है कि हम सदन में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाने जा रहे हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों फोटो के माध्यम से भी जो ये विधायक जी हैं वो शिक्षा मित्रों से मांग पत्र लेती हुई भूख हड़ताल चल रही है दोस्तों और ये तब तक चलेगी जब तक शिक्षा मित्रों का स्थाई समाधान नहीं निकल जाता है और अगर आठ फरवरी तक भी ये स्थाई समाधान नहीं करते हैं राज्य सरकार तो इक्कीस फरवरी को जो जितेंद्र साय की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये विधायक जी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम आपका मुद्दा सदन में उठाएंगे और स्थायी समाधान की मांग करेंगे और राज्य सरकार हमारी मदद करेगी आपकी दोस्तों तो ये थी आज की बड़ी न्यूज़ जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है दोस्तों न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह दोस्तों धन्यवाद